तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का रविदास जयंती का व्हाट्सएप डीपी लोगो पोस्टर बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर बनाने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जीप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो 4 स्टेप में, तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बनाए। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला जाता है। आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन .plp फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा PLP, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोग जब इस पोस्टर के जी फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर नीचे के साइड में आएगा। तो मैं पिक्सल लैब में बनाई, तो चलो मैं पिक्सल लैब ओपन करता हूँ। पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रविदास जयंती व्हाट्सएप DP लोगो पोस्टर, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड रेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक और बैक आ जाना, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया वो व्हाट्सएप DP लोगो पोस्टर ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने फ़ोटो एक ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर आप लोग अपना फ़ोटो ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस फ़ोटो पर टाइप करना है। और इसको सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक डबल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पर एक मेरे फ़ोटो पर लग कर लगा होगा, तो यहाँ पर आपको इस फ़ोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस, आपको वापस आना है। आने के बाद अब इसमें फ़ोटो अपना ऐड करना है, तो आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना। और जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों कोई सा भी एक PNG फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपके पास PNG फ़ोटो नहीं है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है PNG फ़ोटो कैसे बनाए, तो इसको जाकर आप देख कर अपना फ़ोटो को PNG बना लेना है। तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि PNG है। तो फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना। और यहाँ पर एक वाइट सर्किल मिलेगा, तो इसको आपको पकड़ करके यहाँ पर इस फ्रेम के हिसाब से इस फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से राइट साइड में एक डबल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और ये फ़ोटो को थोड़ा सा लेफ्ट साइड के कॉर्नर में दबा कर रखना है, और रखने के बाद नीचे की तरफ लेकर जाना है कुछ इस प्रकार से। और लाने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको रख देना है। रखने के बाद देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर हमारा फ़ोटो अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहते हो, तो इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है। और यहाँ से कीबोर्ड आएगा, तो आप लोग अपना नाम लिख कर ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो, तो इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोग का कीबोर्ड आएगा, तो मोबाइल नंबर भी लिख लेना है। पोस्टर पूरी तरह से बन जाने के बाद सेव करना है, तो ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। सेव एज इमेज और एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी, तो उस पर आपको क्लिक करते ही आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।